हीट वाटर पंप कैसे काम करता है आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। होता है क्या दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक हीट पंप वाटर होता है वो गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि एयर कंडीशनर के विपरीत तरीके से या परिवेशी वायु से गर्मी को खींच लेता है और टैंक के अंदर पानी में ट्रांसफ़र कर देता है। ये पानी गर्म करने के अलावा जो आसपास की हवा को ठंडा भी करता है और उसको डीह्यूमिडिफाई भी कर देता है। दोस्तों एक्चुअल में से होता क्या है, एक पंखा, एक एयर फिल्टर, एक हमारा इवापोरेटर कॉयल होता है, उसके माध्यम से हवा को लाया जाता है। इवापोरेटर कॉयल में जो होती है रेफ्रिजरेंट होती है जो हवा से गर्मी को सोख लेती है, फिर रेफ्रिजरेंटर को फिर एक कंप्रेसर के माध्यम से पंप किया जाता है, जिससे क्या होता है रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर को एक कॉइल के माध्यम से कंप्रेसर से एक बंद लूप सिस्टम के माध्यम से डाला जाता है जो कि टैंक को लपेट लेता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट कॉइल से होकर गुजरता है रेफ्रिजरेंट से पानी यानी कि गर्मी पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों ये जो टैंक दिख रहा है आपको, इसके अंदर की बनावट एक ऐसी होती है, इसके अंदर एक गैर सीएफसी फोम की एक मोटी परत होती है जिससे टैंक के अंदर गर्मी जो होती है वो वहाँ पर स्टक हो जाती है। दोस्तों इस टैंक के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक कॉपर एलिमेंट्स होते हैं जो इसके रिकवरी टाइम्स को बढ़ा देते हैं। दोस्तों ये जो टैंक होता है इसको जंग या किसी और थर्मल शॉक से बचाने के लिए इसके इंटीरियर को एक पोर्सलिन इनेमल ग्लास से कोट कर देते हैं जिससे इसमें किसी को भी थर्मल शॉक या टैंक को जंग न लगने पाए। क्या जनरली ये टैंक के ऊपर हम लोग एनोडॉट लगा देते हैं। एनोडॉट इसलिए लगाते हैं सो दैट उसकी टैंक की लाइफ बनी रहे और या ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि क्या होता है आपके जो कॉयल्स होती हैं उसमें हॉट वाटर चलती हैं और हॉट वाटर चलने की वजह से उसमें कोरेसिव इफेक्ट्स आ सकता है। उस कोरेसिव इफेक्ट्स को बचाने के लिए हम टॉप पे एनोडॉट लगा देते हैं जिसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसमें सेफ्टी पर्पज़ से एक रिलीफ वाल्व भी लगी होती है। होता क्या है, जैसे ठंडा पानी गर्म होता है तो टैंक में दबाव बढ़ जाता है, तो रिलीफ वाल्व क्या करता है दोस्तों, ये थर्मल एक्सटेंशन से प्रेशर को रिलीव कर देता है। दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है सेट वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो चेंज हो सकता है, और 40 लीटर पर मेंबर का खर्चा होता है। उसके हिसाब से कितने मेंबर हैं आप इसको टैंक खरीद सकते हैं उतने लीटर में। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।